गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। चलिए सभी बच्चे, आज हम हिंदी रीडर पढ़ेंगे। ये आपकी हिंदी रीडर की बुक है अनाया। क्या आप इसको ओपन कर लीजिए। सबसे पहले हम विषय सूची समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमने आपको बताया है पी ए टू में कितने चैप्टर आ रहे हैं आपके। तीन चैप्टर आ रहे हैं पी ए टू में। देखिए 11, 12, 13। चैप्टर 11 पार्ट 9 में हम आपको करा चुके हैं भारत का अद्भुत क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। चैप्टर 12 रक्षाबंधन पार्ट 10 में हम आपको करा चुके हैं, ठीक है। मेरा पत्र केवल पढ़ने के लिए, ये हमने आपको रीड में दिया है। चैप्टर 10 सॉरी बेटा चैप्टर 10 नहीं, चैप्टर 12 रक्षाबंधन पार्ट 10 में हमने आपको, ये भी हमने आपको रीडिंग दी थी कि आप खुद रीडिंग करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर वो आपको मैं करवा चुकी हूँ। देखिए चैप्टर 13 परोपकारी बालक, ठीक है, हम पार्ट 11 में करवाएंगे, ठीक है। चैप्टर 13 परोपकारी बालक पार्ट 11, ठीक है। यहाँ क्या हो जाता है, हमारा पी ए टू कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पी ए टू कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। पेज नंबर है आपका 63। सभी बच्चे आप ओपन कर लीजिए पेज नंबर 63। देखिए ये है आपका पेज नंबर 63, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए चैप्टर आपका 13 परोपकारी बालक चैप्टर का नाम है। यहाँ सबसे पहले आप लिखेंगे पार्ट शो करेंगे, पार्ट लिखेंगे। देखिए जैसे हमने आपको बताया है पार्ट 10 में हमारा ये वर्क कंप्लीट हो चुका है। देखिए पार्ट 11, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम पार्ट 11, ठीक है। यहाँ डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी, ठीक है। तो सभी बच्चे मेरे साथ अब क्या करेंगे, रीडिंग कंप्लीट करेंगे। चलिए हम रीडिंग कंप्लीट करते हैं। रामपुर गांव का स्कूल, ठीक है, रामपुर गांव का स्कूल गांव से 1 मील दूर था। गांव के सभी बच्चे वहां पढ़ने जाते थे। क्या जाते थे, पढ़ने बच्चे जाते थे। एक बार की बात है कि गांव के ज़मींदार का लड़का करम सिंह, ठीक है, करम सिंह अपनी साइकिल से स्कूल जा रहा था। कौन जा रहा था, करम सिंह अपनी साइकिल से स्कूल जा रहा था। मार्ग में उसने एक बूढ़ी औरत को सड़क के किनारे बैठे देखा, यानी कि जब साइकिल पर जा रहा था उसे देखते देखते उसको एक बूढ़ी औरत सड़क के किनारे बैठी हुई मिली, ठीक है। तो उसके पास ही घास का एक बड़ा गट्ठर था। क्या था, उसके पास एक घास का बड़ा गट्ठर था। बूढ़ी औरत ने बालक करम सिंह को रोकते हुए कहा, बेटा ज़रा हाथ लगाकर मेरे इस गट्ठर को उठवा दो। किसने कहा, ये बूढ़ी औरत ने कहा। किससे कहा, करम सिंह से कहा। करम सिंह ने बूढ़ी औरत की ओर उपेक्षा से देखा और आगे बढ़ गया। मायूस होकर बूढ़ी औरत फिर बैठ गई। धीरे धीरे धूप तेज होने लगी, बूढ़ी औरत को पसीना छूटने लगा, प्यास के मारे उसका बुरा हाल होने लगा, ठीक है। उसी समय राम सिंह किसान का बेटा धर्म सिंह उधर से निकला। कहाँ से निकला, उधर से ही निकला। किसका बेटा था, राम सिंह का बेटा था, यानी कि राम सिंह किसान का बेटा था। वह पैदल ही स्कूल जा रहा था। आज उसे देर हो गई थी। बूढ़ी औरत ने दयनीय दृष्टि से उसकी ओर देखा। उसकी दशा देखकर धर्म सिंह ने पूछा, क्या बात है अम्मा, तुम यहाँ धूप में क्यों बैठी हो। किसने पूछा, कि धर्म सिंह ने पूछा बूढ़ी माँ से, ठीक है। बूढ़ी औरत बोली, बेटा ये बोझ भारी है, अकेले मुझसे उठाया नहीं जा रहा है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। धर्म सिंह बोला, ज़रूर करूँगा अम्मा, पर पहले तुम थोड़ा पानी पी लो। मैं देख रहा हूँ कि प्यास के मारे तुम्हारे होंठ सूखे जा रहे हैं। ये कहकर धर्म सिंह ने अपने हाथ में पकड़ी। सभी बच्चे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 64, ठीक है। तो देखिए, पानी में बोतल से बूढ़ी औरत को पानी पिलाया और फिर अपनी कापी किताबें खेत की मुंडेर पर रख कर घास के उस बोझ को उठवाकर बूढ़ी औरत के सिर पर रखवा दिया। बूढ़ी औरत ने चलने से पहले धर्म सिंह को आशीर्वाद दिया, भगवान तेरा भला करे बेटा, ठीक है।
एक दिन तू ज़रूर बड़ा आदमी बनेगा। बूढ़ी औरत गांव की ओर चली गई। धर्म सिंह भी अपनी कापी किताबें उठाकर स्कूल चला गया। उस दिन वह देर से स्कूल पहुंचा। कौन पहुंचा देर से स्कूल? धर्म सिंह स्कूल देर से पहुंचा। उसके अध्यापक ने देर से आने की वजह से उसे चार कमचियाँ लगाईं। क्या लगाईं? कमचियाँ, यानी कि डंडियाँ मारी थी चार। धर्म सिंह ने इस सजा पर उफ तक नहीं की। कमचियों की मार से होने वाले दर्द को दर्द को उसने चुपचाप सहन कर लिया। कक्षा के दूसरे बच्चे उस पर हंसते रहे, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। कर्म सिंह ने कुछ नहीं कहा क्योंकि लोग उस बच्चे उस पर हंस रहे थे कक्षा के, लेकिन फिर भी धर्म सिंह ने कुछ नहीं कहा। बाद में वर्षों बाद वह बालक प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। कौन मुख्यमंत्री बना? धर्म सिंह। और जमींदार का बेटा कर्म सिंह एक दिन जुआ खेलते हुए पकड़ा गया और उसे जेल जाना पड़ा। तो देखिए, यह आपकी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है। देखिए, हम चलते हैं आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले आप शब्द अर्थ वर्ड मीनिंग्स आप क्या करेंगे, याद करेंगे। तो दूसरा देखिए आपका भाषा अभिव्यक्ति यानी कि लैंग्वेज। पहला है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये उत्तर हम क्या करेंगे? कॉपी पर करेंगे, ठीक है? यहाँ हम लिखते हैं कॉपी, ठीक है? कॉपी पर करेंगे। दूसरा देखते हैं आपका, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, लिखिए। तो देखिए, ये हम आपको कटवा चुके हैं, ठीक है? ये कटवा चुके हैं। तो तीसरा देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति, पहले रिक्त में लिखा है वर्षों बाद धर्म सिंह प्रदेश का डैश बना। क्या बना? मुख्यमंत्री बना, ठीक है? देखिए, डैश में लिखा है मुख्यमंत्री। दूसरा देखिए, किसी की डैश बिना किसी डैश के करनी चाहिए, यानी कि मदद डर, किसी की मदद बिना किसी डर के करनी चाहिए, ठीक है? तीसरा देखिए, धर्म सिंह ने उस डैश पर उफ तक नहीं की। किस पर नहीं की? सजा पर। धर्म सिंह ने उस सजा पर उफ तक नहीं की। चौथा देखिए, बूढ़ी औरत ने दयनीय दृष्टि से उसकी ओर देखा। देखिए, डैश में लिखा हमने दयनीय दृष्टि से उसकी ओर देखा। तो पांचवा देखिए, बूढ़ी औरत को डैश छूटने लगा। क्या छूटने लगा? पसीना, ठीक है? चौथा देखिए, नीचे दिए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए, यानी कि ये शब्द जितने भी लिखे हुए हैं अशुद्ध हैं, हमें इन्हें क्या करना है? शुद्ध करके लिखना। तो देखिए, ये लिखा हुआ है आशीर्वाद। तो देखिए, यहाँ हमें क्या लिखना है? आशीर्वाद। मैंने क्या लिखा है? आशीर्वाद। दूसरा देखिए, यहाँ लिखा हुआ है दयनीय। तो क्या लिखना है? दयनीय। तीसरा देखिए, इसमें लिखा हुआ है कर्म सिंह। तो देखिए, हमें यहाँ लिखना है कर्म सिंह, ठीक है? चौथा देखिए, मायूस। तो देखिए, मायूस। पांचवा देखिए, औरत। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ औरत। छठा देखिए, प्यास। तो देखिए, यहाँ लिखिए प्यास। सातवा देखिए, धर्म सिंह, ठीक है? आठवा देखिए, ई स्कूल। तो यहाँ लिखता है हमने स्कूल, ठीक है? तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, ये अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं, हमने क्या करा है? अशुद्ध शब्द का शुद्ध शब्द करके लिखा है। तो पांचवें देखते हैं आप, वाक्यों को पढ़कर एक शब्द में उत्तर दीजिए। देखिए, ये वाक्य है, इनका पढ़कर हमें क्या करना है? एक शब्द में उत्तर देना। तो देखिए, पहला है आपका, दूसरों के साथ दया करने वाला क्या होता है? दयालु होता है। दूसरा देखिए, दान करने वाला को क्या कहते हैं? देनदार। तीसरा देखिए, भीख मांगने वाला क्या होता है? भिखारी। चौथा देखिए, जो एक एक पैसा खर्च करना ना चाहे उसे क्या कहते हैं? कंजूस। पांचवा देखिए, खेलने वाला लड़का, खिलाड़ी, ठीक है? तो सभी बच्चे इसी तरीके से वर्क कंप्लीट करेंगे, अच्छी तरीके से वर्क कंप्लीट करेंगे। देखिए, अब हम आपके क्वेश्चन आंसर, ठीक है? अब क्या करेंगे हम? क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, आपकी बुक पर जितना भी वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए, ये भी आपका बुक वर्क है, ठीक है?
हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, पेज नंबर 66 पर। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। तो पहला देखिए, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो पहला है आपका, भारतीय वनों से सैकड़ों प्रकार की प्राप्त होती हैं। क्या होती हैं? पौधे प्राप्त होते हैं, लड़कियां प्राप्त होती हैं, पत्ते प्राप्त होते हैं। तो देखिए हमने दूसरे पर लगाया है लड़कियां प्राप्त होती हैं, यानी कि भारतीय वनों से सैकड़ों प्रकार की प्राप्त होती हैं। क्या होती हैं? लड़कियाँ। दूसरा देखिए, किसी भी देश की आर्थिक उन्नति और विकास के लिए महत्व है। क्या महत्व है? पेड़ों का, वनों का या लड़की का? यानी किसी भी देश की आर्थिक उन्नति और विकास के लिए लड़की का महत्व है, ठीक है। तो देखिए ये आपके, ये भी आपका बुक वर्क है। हम यहाँ बुक वर्क लिखेंगे, ये भी आपका क्या है? बुक वर्क है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। आपको बुक वर्क कंप्लीट हो चुका है, अब हम कॉपी पर वर्क कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी ओपन कर लीजिए। देखिए ये आपकी कॉपी है हिंदी की, देखिए ये आपकी कॉपी है, ठीक है। तो देखिए हमारा कौन सा चल रहा है? पार्ट 10 चल रहा है, वो सॉरी पार्ट 10 नहीं, पार्ट 11 चल रहा है, ठीक है, पार्ट 11। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पार्ट 11 लिखेंगे, यहाँ डेट शो करेंगे जिस डेट में आपके पास वीडियो जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे पार्ट 13 लिखेंगे, यानी कि चैप्टर 13, परोपकारी बालक। इस तरीके से यहाँ हेडिंग डालेंगे बड़ी बड़ी, ठीक है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो देखिए पहला है आपका प्रश्न का, रास्ते में धर्म सिंह को कौन मिला, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, रास्ते में धर्म सिंह को कौन मिला। तो हमने इसका उत्तर लिखा है, रास्ते में धर्म सिंह को बूढ़ी औरत मिली। कौन मिली? बूढ़ी औरत मिली, ठीक है। तो देखिए दूसरा आपका प्रश्न है, स्कूल गांव से कितनी दूर था, स्कूल गांव से कितनी दूर था। तो देखिए हमने यहाँ इसका प्रश्न लिखा है, स्कूल गांव से कितनी दूर था। हमने इसका यहाँ प्रश्न नहीं लिखा, हम इसका पेज नंबर लिखेंगे। तो देखिए सभी बच्चे आप अपना पेज नंबर 63 पर। तो देखिए इसका दूसरे का आंसर यह हैगा, देखिए रामपुर गांव का स्कूल गांव से 1 मील दूर था। कितना मील दूर था? 1 मील दूर था। तो देखिए दूसरा यहाँ से यहाँ तक है आपका, ठीक है। तो मैं यहाँ पेज नंबर शो कर रही हूँ, पेज नंबर है आपका 63, ठीक है। तो तीसरा देखिए, तीसरा देखिए, कर्म सिंह ने बूढ़ी औरत को किस दृष्टि से देखा, ठीक है। कर्म सिंह ने बूढ़ी औरत को किस दृष्टि से देखा? तो देखिए हमने यहाँ इसका क्वेश्चन लिख रखा है, कर्म सिंह ने बूढ़ी औरत को किस दृष्टि से देखा। देखिए हम इसका उत्तर लिखेंगे, यहाँ पेज नंबर शो करेंगे, पेज मैंने बुक पर ही निशान लगाए हैं। तो देखिए तीसरा आपका आंसर यह हैगा, कर्म सिंह ने बूढ़ी औरत की ओर उपेक्षा से देखा और आगे बढ़ गया, ठीक है। तो देखिए तीसरे का आंसर यहाँ से यहाँ तक है। तो देखिए हम यहाँ पेज नंबर शो करेंगे, ये भी हमारा पेज नंबर 63 का वर्क है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, देखिए चौथा है ये, अध्यापक ने धर्म सिंह को क्या दी, अध्यापक ने धर्म सिंह को क्या दी। तो देखिए चौथे का आंसर यहाँ है, अध्यापक ने धर्म सिंह को सजा दी। देखिए उसके अध्यापक ने देर से आने की वजह से उसे 4 कमचियाँ लगाई, धर्म सिंह ने इस सजा पर उफ तक नहीं की, ठीक है। तो हम यहाँ से उसके नहीं, यहाँ से नहीं लगाएंगे, हम यहाँ से लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक है आपका 4 आंसर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक है आपका 4 आंसर। तो देखिए हम यहाँ पेज नंबर शो करेंगे, पेज नंबर 64, ठीक है, पेज नंबर 64। पांचवा देखते हैं, बूढ़ी औरत के पास किस चीज़ का गट्ठर रखा था, बूढ़ी औरत के पास किस चीज़ का गट्ठर रखा था। देखिए हमने यहाँ प्रश्न में लिखा है, बूढ़ी औरत के पास किस चीज़ का गट्ठर रखा था। देखिए ये भी हमने बुक पर निशान लगाया है, पेज नंबर 63 पर देखिए।
तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन में से ही आंसर उतारेंगे, बूढ़ी औरत के पास किस चीज़ का गट्ठर रखा था। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे बूढ़ी औरत के यहाँ से यहाँ तक हम आंसर में लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे पास ही घास का एक बड़ा गट्ठर रखा था। ठीक है, चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं बूढ़ी औरत के पास घास, ठीक है, घास घास चीज़ का गट्ठर रखा था, आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आप आंसर यही है पास ही घास का एक बड़ा गट्ठर रखा था। तो देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन में से आंसर लिखेंगे बूढ़ी औरत के, फिर यहाँ से आप लिखेंगे पास ही घास का एक बड़ा गट्ठर रखा था। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे तरीके से वर्क कंप्लीट करेंगे। देखिए हम आपको कॉपी पर ये वर्क कंप्लीट करा चुके हैं, ये भी हमारा पार्ट 11 का वर्क है। ठीक है, यहाँ पर भी हम पार्ट 11 शो करेंगे, यहाँ पर भी हम क्या डेट शो करेंगे। तो यहाँ क्या होता है हमारा P2 कोर्स कंप्लीट हो चुका है। सभी बच्चे अच्छे तरीके से वीडियो देखेंगे, तो देखिए हम यहाँ लिखते हैं PA2 कोर्स कंप्लीट। ठीक है, यहाँ हमारा PA2 कोर्स कंप्लीट हो जाता है। देखिए हम अब बुक पर भी लिखते हैं, कोर्स कंप्लीट। ठीक है, PA2 कोर्स कंप्लीट है। सभी बच्चे अच्छे तरीके से वीडियो देखेंगे, अच्छे तरीके से वर्क कंप्लीट करेंगे और कॉपी पर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।